तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेटिंग के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कस्टम फॉर्मेटिंग, जो कि आपको वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग तक आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। कस्टम फॉर्मेटिंग काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हम यहाँ पे एक ऐसी एक्सेल फाइल ले लेता हूँ मैं। तो कस्टम फॉर्मेटिंग क्या होता है, चलिए मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं हम आपको। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इस कॉलम में चेक नंबर लिखना है। तो अगर चेक नंबर लिखना है तो बहुत सारे चेक तो नॉर्मली होते हैं, बहुत सारे चेक में जीरो लगा होता है, ठीक है ना। तो जीरो एक्सेप्ट नहीं होता है, तो क्या करते हैं जीरो एक्सेप्ट नहीं होता है तो सिंगल कोड लगाते हैं और जीरो ला लेते हैं। पर सिंगल कोड लाने से चेक बन जाता है, टेक्स्ट बन जाता है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक नंबर टेक्स्ट ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जो आपको किसी ने चेक भेज दिया है या टाइप आप कर चुके हैं और आपने जीरो नहीं लगाया, तो इससे मुझे जीरो लगाना है। तो आपको अगर जस्ट विजिबिलिटी के लिए चाहिए तो यहां आप कस्टम फॉर्मेटिंग पे आएंगे और यहां पे 1 2 3 4 5 6 टाइम जीरो डाल देंगे, जीरो मेंटेन हो गया। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे यहां आपका 3265 दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये सिर्फ 3265 है। अगर कहीं पे सिंगल कोड में आपने लिख दिया 003265 और मैं इसको एंटर करता हूं और इसको मैं इग्नोर एरर कर देता हूं, अब दोनों देखने में बिल्कुल सेम लग रहा है बट दोनों एक जैसे नहीं है। मैं इसको सिलेक्ट किया, इक्वल इसको किया, अगर एक जैसे होते तो ट्रू आता बट यहां आया फॉल्स। तो इसका मतलब है कि विजुअल की विजिबिलिटी के पर्पज से, मतलब कि प्रिंट आउट लेने और दिखावे के पर्पज से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशंस लगाना, फिल्टर लगाना या मैचिंग वगैरह करना, लुकअप सुकअप करना, उसके लिए ये तरीका सही नहीं है। लेकिन अगर उसके लिए चाहिए आपको कि आपका एक्चुअल भी 003265 रहे और विजुअल भी सेम हो, तो उस केस में हम यहां टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और टेक्स्ट फंक्शन के इन्वर्टेड कॉमा में भी हम वही डालते हैं जो कस्टम फॉर्मेटिंग में डालते हैं, 1 2 3 4 5 6, समझे। अब दोनों यहां आपस में बराबर होंगे, बराबर है, हेलो, यस सर, यस सुन में आया, हेलो, हाँ हेलो सर, ये आपने जैसे इसको तो नेक्स्ट कॉलम में किया, उसको टेक्स्ट लगा के ना, अगर मैं उसी कॉलम में करना हो, नहीं उस कॉलम में नहीं होगा, जिस कॉलम में वैल्यू लगा उस कॉलम में थोड़ी होगा, नहीं कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके जैसे आपने जीरो जीरो लगा वहां से कुछ हो सकता है, कस्टम फॉर्मेटिंग तो जस्ट विजुअल होगा, विजिबिलिटी चेंज होती है उसकी, हां ओरिजिनल नहीं आएगा, ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें एक चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ए हो गया हमारा इसका चीज, अब बात करते हैं कि और क्या क्या किया जा सकता है। जैसे मैं मोबाइल नंबर है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर में +91 लग जाए, क्योंकि +91 लगाने के बाद जो कोई नंबर आप लिखते हैं तो एंटर मारने को चेंज नहीं होता है, नहीं हुआ चेंज, क्योंकि प्लस क्या होता है कि अब जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल से लगाते हैं, आप फॉर्मूला प्लस से ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला समझ लेता है और 12 डिजिट तो शो करता नहीं है इसलिए ऐसा दिखता है। तो +91 लगाना ही है सब में, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और +91 और यहां पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम जीरो रख दीजिए। अब यहां पे आप नंबर दे सकते हैं, ठीक है,
लेकिन दिक्कत होगा यहाँ पे कि हमने जीरो लिख दिया फिर भी यहाँ पे दिक्कत हो गया कि पूरा डिजिट दिख गया। तो मुझे मोबाइल नंबर में जो प्लस नाइन लगाना है डिजिट मेंटेन नहीं करना है, क्योंकि डिजिट मेंटेन करने से क्या होता है कि हमें पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो यहाँ में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार हैश डाल दिया, ठीक है। दसवा हैश डाल दिया, तो हैश होता क्या है हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। हमारे अकाउंट नंबर आपको भी लिखते हैं 13 डिजिट का अकाउंट नंबर लिखना है, तो 11 12 डिजिट तक आपने लिखा तो 11 डिजिट तक आपको दिख जाता है। जैसे 12 डिजिट डालते हैं साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। इसको वापस नॉर्मल पॉलिटिक फॉर्मेट में लाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट कीजिए, कस्टम पे जाइए और सिर्फ एक हैश दे दीजिए, ओनली फॉर वन हैश। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें भी आपका 15 डिजिट तक का ये नंबर शो होगा। 15 के बाद जैसे ही 16 डिजिट डालेंगे वो जीरो बन जाएगा। देखिए 8 डाला जीरो बन गया, मैं यहाँ पे 8 हटा कर डिलीट करके मैं 7 5 डाल देता हूँ, दोनों डिजिट जीरो बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो आपका 15 डिजिट तक की कैलकुलेशन करने के लिए एलिजिबल है। इससे जो बड़ी कैलकुलेशन है एक सिस्टम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या है, आप इसके लिए क्या है, आपको सिंगल कोड में जितना नंबर डालना है डाल दीजिए, 32767 तक नंबर जाएगा। बट नंबर फॉर्मेट में आप 15 डिजिट तक ही डाल सकते हैं, उससे ज्यादा डालेंगे तो नंबर जीरो बन जाएगा। अब किसी के बैच बीच सेपरेशन करना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आईडी डाला और मैं चाहता हूँ कि वो सेपरेट हो जाए, तो राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं, कस्टम। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 000-000-000 में स्पेस दे दिया। अब जैसे नंबर डालिए आप तो 3 3 डिजिट के बाद यहाँ पे स्पेस लगा देगा, या डैश लगाना तो डैश लगा देगा। जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर होता है, आप बहुत सी जगहों पे देखे होंगे आपके पास स्टेटमेंट आता है क्रेडिट कार्ड नंबर का या एटीएम कार्ड का, तो पहला 4 डिजिट होता है, उसके बाद आपका होता है X, 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 और फिर इसके नंबर्स होते हैं। तो क्या इस तरह किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। आप कस्टम फॉर्मेटिंग में आते हैं, यहाँ पे 4 0 देता हूँ, 1 2 3 4 और फिर इन्वर्टर कॉमा में 8 X। ठीक है सर, अब फंडा समझते हैं कि स्पेस और डैश और जीरो का फंडा क्या है। देखिए किसी भी नंबर पे आप लिखते हैं तो इसके आगे प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना होता है। जैसे मुझे लिखना है MRP और सॉरी मुझे यहां पे लिखना है MRP और फिर यहां पे नंबर देना है। तो ये नंबर दिख रहा है लेकिन अगर मैं इसके सम करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा प्लस करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि एमआरपी लग जाने के कारण टेक्स्ट हो गया। सो हम चाहते हैं कि विजिबल हो एमआरपी बट एक्चुअल एमआरपी ना हो ताकि हम इसके ऊपर कैलकुलेशन कर सके। तो उस केस में हम जो है इन्वर्टेड कॉमा में आते हैं, सॉरी कस्टम फॉर्मेटिंग के इन्वर्टेड कॉमा में हम एमआरपी को डाल देते हैं। आगे डालना है तो आगे, पीछे डालना है तो पीछे, उसका उपयोग कर सकते। उसके बाद हमें नंबर शो करने के लिए जीरो या हैश चाहिए होगा। अगर जीरो या हैश कुछ भी नहीं देते तो ये आपका जस्ट एमआरपी शो करेगा, आपकी वैल्यू को शो नहीं करेगा। अब एमआरपी शो अगर आपको वैल्यू भी शो करवाना है तो क्या करना होगा, कस्टम फॉर्मेटिंग में यहां आपको 1 2 1 0 देना होगा, या 2 0 दे दिया आपके तो आपको दे दिया, या फिर आप हैश डाल दीजिए।
तो हैश या जीरो आप डालेंगे तभी आपका नंबर शो करेगा, अदरवाइज नंबर आपका शो नहीं करेगा। अब जीरो में हैश से फंगा के, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर 56 कर या 5 कर दिया, तो आपको एमआरपी 5 दिख रहा है, बट इसी में अगर डबल जीरो होता तो 05 दिखता। तो जीरो और हैश में यही फर्क पड़ता है, दोनों डालना जरूरी है, नहीं डालिएगा तो आपका नंबर विजिबल नहीं होगा। अगर आप डाल देते हैं तो नंबर आपका विजिबल होगा, और जीरो डालते हैं, डबल जीरो डालते, सिंगल जीरो में कोई फर्क नहीं है, डबल जीरो डालते हैं तो दोनों डिजिट को मेंटेन करता है, डबल हैश डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर एक चीज और देखिए कि मैंने यहां पर 12 rupees 36 paise है यहां पर डालना है हमें, तो इसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कस्टम में कि जीरो हैश यहां पे रुपीज, डॉट पैसे। तो डेसिमल में हमेशा डॉट लगता है, ध्यान रखिएगा, और डेसिमल में हमेशा आप जीरो दीजिएगा। अगर यहां पर हैश दिया तो 30 के जगह पे 3 ही दिखेगा। अब यहां पे एक चीज समझते हैं कि हमने यहां पे जीरो हैश क्यों दिया, हम यहां डबल जीरो दे सकते हैं, डबल जीरो देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा कब, जब मैं सिर्फ पॉइंट में लिखूंगा 36 rupees, तो ठीक है मैं डबल हैश कर देता हूं। अगर आप डबल हैश कर देते हैं तो सिर्फ रुपीज दिखेगा, जीरो भी नहीं दिखेगा, ये भी तो आउट लगता है। ठीक है मैं सिर्फ एक जीरो कर देते हैं, एक जीरो कर देते हैं तो जीरो रुपीज दिखेगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 5 rupees 63 paise कर दिया तो 5 rupees दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 05 दिखाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक हैश और एक जीरो डाला। तो उषा जी एंड सुधीर जी समझ में आ रहा है आपको ना? हेलो जी सर, चलिए अब चलिए मैं 1000 में लगता हूं, मैं लिखता हूं 25,000, मुझे 1000 सेपरेटर देना है, तो कस्टम में मैं यहां पे हैश कॉमा हैश हैश कर देता हूं, 1000 सेपरेटर 1000 आ जाएगा, लेकिन मुझे अमाउंट इन 1000 करना है, तो जो कॉमा के बाद 3 हैश दिए उसको हटा दीजिए, मुझे इसे आगे पीछे जो है के लगाना है, 25 के आ गया। अगर मैं यहाँ पे अगर 26,000 डाल दूं तो 26 के आएगा, तो कैलकुलेशन होगी उसी पे होगी, मैं इसे प्लस मान लीजिए 1500 डाल दिया तो आपको ये 28 के दिख रहा है, ठीक है 27.5, तो अमाउंट इन 1000 में शो करेगा। अब ये अमाउंट इन मिलियन में शो करने के लिए इससे मैं डाला कस्टम 0.00 और फिर डबल कॉमा, ठीक है, उसके बाद यहां पे आते हैं हमारे पास डेट्स होते हैं, डेट के बारे में जानते हैं, डेट लिखा तो इस डेट के भी अपनी फॉर्मेट होता है, कस्टम में आते हैं तो अगर यहां पे हम डी करते हैं तो डेट मचता है, जैसे कि 3, 4, 5 इस तरह से दिखाएगा, डबल करते तो 0, 1, 2, 3 के फॉर्मेट में दिखाएगा, 4 बार करते हैं तो संडे मंडे शॉर्ट में दिखाएगा, 5 बार करते हैं तो कंप्लीट ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे दिखाएगा। फिर यहां पे सेम में एमएम करते हैं तो मंथ आता है, डबल एम पे 01, ट्रिपल तो नवंबर दिसंबर का शॉर्ट फॉर्म दिखेगा, ये पूरा दिखेगा, ऐसे आपका वाई वाई करते हैं तो रिजल्ट आता है। अब अपने हिसाब से जैसा डेट बनाना है वैसा डेट बना सकते हैं, जैसे मैं ट्यूजडे के बाद मैं यहां पे ठीक है,
अब इसे टाइम की बात करते हैं तो 10:20:70 है, अब इस पे फॉर्मेट करना है ना, तो HHMMSS आवर मिनट सेकेंड, एम पी एम लगाना है आगे या पीछे जहां लगाना चाहते हो वहां पे आप AM/PM, इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होता है, डॉलर कॉमा होता है, AM/PM डाल सकते हैं। बट मान लीजिए कि अमाउंट मुझे कन्वर्ट करना है, 10 घंटे 30 मिनट है, मुझे इसको मान लीजिए ओवर टाइम टोटल मिला हुआ 36 घंटे 24 मिनट का ओवर टाइम मिला हुआ है, मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है क्योंकि मिनट के हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं। तो उसके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका आवर निकालते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं वगैरह वगैरह। तो आपको जब शो करना है मिनट में तो आप कुछ नहीं करना है, यहां पे आइए कर्ली ब्रैकेट में एम को डाल दीजिए, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में, अब देखिएगा कि आपका मिनट में कन्वर्ट हो गया, हो गया मिनट में कन्वर्ट। अगर मैं इसको एस कर दूं, अगर कर्ली ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में एस कर दूं तो ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एम और एस मिनट और सेकंड्स को ही रिप्रेजेंट्स करता है, कैसे पता चलेगा सर? मतलब कि सिस्टम को पैरेंथेसिस में है, इसीलिए हम पैरेंथेसिस में ही डालना है या इन्वर्टेड कॉमा में एम और एस? आपने यहाँ पे नहीं, यहाँ आपने एम कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में है तो समझ गया कि मंथ है, सॉरी मिनट है। अगर आपने इसमें डाला सिर्फ एम तो आपका वन शो करेगा, मतलब ये महीना मान लेगा, समझे? ब्रैकेट वो इम्पोर्टेंट है सर फिर। जी हाँ जी हाँ, समझ गया। तो ये कन्वर्ट हुआ, लेकिन कन्वर्ट हुआ बट ये विजुअल है, एक्चुअल में नहीं है। आप चाहते हैं कि मेरा एक्चुअल हो जाए तो उस केस में आपको क्या करना है, टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको सेलेक्ट करना है और स्क्वायर ब्रैकेट में आप एम कर दीजिए, आ गया सर, क्लियर है। बट इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको हम एक आर्टिकल दे रहे हैं पढ़ने के लिए, एक कस्टम फॉर्मेटिंग का माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल है, वो हम आपको दे रहे हैं पढ़ने के लिए। ये आर्टिकल जो है आप लोगों को मैं मेल कर दूं, ये आर्टिकल ऊपर वाले जो ऑफिस की है, इस आर्टिकल में सारे चीजें दी गई है, उसको एक बार आप अच्छे से पढ़ें। मैं यहाँ पे उषा, आपकी ईमेल आईडी क्या है उषा जी? सर मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, चैट बॉक्स में इधर ही दे रही हूँ सर। ठीक, सुजीत है ना, दिल जी आपकी आईडी क्या है? सर मैं चैट बॉक्स में दे दी, इधर ही सर जूम में ही दे दी। सुधीर जी आपकी क्या है?